खबरों में बात करते हैं गुरुग्राम की, जहां मिनरल गुरु के नाम से मशहूर डॉक्टर का दावा सामने आया है। कहीं एक्सीडेंट होते हैं या कहीं सुसाइड पॉइंट हो, उसके बारे में मुझे बताएं। मैं अपने सोच से तैयार मिनरल से ऐसी घटनाओं में कमी ला सकता हूं। वहीं आपको बता दें, इसी महीने मिनरल गुरु को नवाजा जाएगा डायरेक्ट की उपाधि से। किसी भी समस्या में अपने द्वारा शोधित विद्या से लोगों का भला कर रहे हैं। क्या किसी भी समस्या से जूझना आपकी नियति बनती जा रही है, या फिर कोई बीमारी है जो आपको चैन नहीं लेने देती? बच्चे का दिमाग तेज है लेकिन पढ़ता नहीं, या फिर जिस जगह आप रह रही हैं उस जमीन में नेगेटिव एनर्जी का वास तो नहीं है? साइबर सिटी के डॉक्टर जेपी गर्ग के पास ऐसी नायाब विद्या है कि जिससे वे न केवल लोगों का भला कर रही हैं, बल्कि यहाँ पहुँच रहे लोगों की समस्याओं का निवारण भी कर रही हैं। और इसी के चलते डॉक्टर जेपी गर्ग को सरकार द्वारा इसी महीने में डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया जाना है। वहीं इस मामले में मिनरल डॉक्टर की माने तो वे सरकार से ये मांग भी कर रही हैं कि जिस जगह एक्सीडेंट अधिक होते हों, जो प्रदेश में देश में सुसाइड पॉइंट बनता जा रहा हो, उसके लिए अगर सरकार परमिशन दे तो ऐसी घटनाओं को कम करने में कारगर मिनरल की सहायता से बिल्कुल नाम मात्र पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। और मैं गुड़गांव का निवासी हूँ, और ये मिनरल्स के ऊपर मैंने नायाब खोज की है, जो कि परमात्मा ने मुझे इंट्यूशन के जरिए मुझे ये बताते हैं कि भी ये स्टोन कैसा है, किसकी क्या क्वालिटी है। और ये स्टोन इतने गजब के हैं जो मेरे पास, जिसको मैं मिनरल्स बार बार बोलता हूँ। ये मिनरल्स क्या हैं? लोगों का सवाल है, ये मिनरल वाटर वाली बात तो नहीं है? लेकिन ये मिनरल वाटर वाली कोई भी बात नहीं है, इसमें खाने पीने की कोई चीज़ है ही नहीं। ये सिर्फ नायाब पत्थर है, और मुझे ये पता है कि किस पत्थर को कैसे यूज़ किया जाता है, बॉडी और माइंड पे, या जियोपैथिक स्ट्रेस पे, जिनके घरों में फाइनेंशियल मेंटल फिजिकल प्रॉब्लम है, उनको कैसे कहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। और मैं किसी भी चीज़ को घर बैठ के देखने में सक्षम हूँ। मैं कोई ऑफिस है, मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, या फार्म हाउस है, या कोई भी चीज़ है, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, मैं अपने घर बैठ के अपने स्कैनर के द्वारा इसको चेक करके ये बता सकता हूँ कि यहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। या कोई इंसान मुझसे बात करता है तो मैं उसे ये बता सकता हूँ कि इसकी मेंटल प्रॉब्लम है, इसकी फिजिकल प्रॉब्लम है, या कैसी उसकी प्रॉब्लम है उसकी बॉडी में, वो मैं उसको बड़े अच्छी तरीके से बता सकता हूँ।